सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने खास बातचीत करी, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल मौजूद है। मैम, आज संसद भवन में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री के साथ कई सांसदों की, हरियाणा के सांसद हैं, उनकी बैठक हुई है, क्या कुछ चर्चा उस बैठक में रही? देखिए, आज जो परिवहन मंत्री जी ने बैठक ली थी तो उसमें सभी हरियाणा के सांसदों को उन्होंने बुलाया था और जो हमारे तीनों मंत्री हैं वो भी वहाँ पर उपस्थित थे। तो जितने भी हमारे हरियाणा के जो भी हाईवे से रिलेटेड जो काम हैं वो पेंडिंग काम जो है उसके बारे में माननीय मंत्री जी ने जो है वो डिटेल से विस्तार से जो है हम लोगों से बातचीत की और जो अधिकारी हैं वो भी सब लोग वहीं पर बैठे हुए थे और उन्होंने हाथ के हाथ ही सभी अधिकारियों से भी बातचीत करके और क्या हो सकता है उसके अंदर, क्या वायबिलिटी है, क्या नॉन वायबिलिटी है, और अगर वायबिलिटी है तो फिर अभी तक काम अगर नहीं हुआ तो उसके पीछे क्या कारण रहे, तो उस सब के बारे में जो है माननीय मंत्री जी ने चर्चा की और सबने अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के, अपने अपने एरिया के जो है उनको दिक्कत और जो प्रॉब्लम्स थी उसके बारे में माननीय गडकरी जी को बताया। महिला सुरक्षा का चूंकि मुद्दा इन दिनों काफ़ी गर्म है, हैदराबाद की घटना में रेप हुआ फिर उसके बाद जला दिया गया, आज संसद में भी इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं आवाज उठी थी, किस तरीके से इसको देख रहे हैं? देखिए, पूरे संसद में बिल्कुल, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, दोनों जगह पर सदनों में इसके बारे में पूरी चर्चा हुई थी और हमारे जो अध्यक्ष हैं लोकसभा के आदरणीय ओम बिड़ला जी, उन्होंने जो है सभी जो जितने भी दल हैं उन सबको उन्होंने पूरा उनका आह्वान किया कि आप सब लोग अपने अपने जो हैं इस पर विचार रखिए और सबने अपने अपने विचार रखे और इसको डिस्कशन के लिए उन्होंने जो है फैसला किया है कि इसको, इस टॉपिक पे पूरा डिस्कशन होगा और उसके बाद कोशिश की जाएगी कि कोई ना कोई और सख्त बिल जो है इसके ऊपर आए। जैसा कि ये जो हुआ है ये इतना अमानवीय कृत्य है, ये जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है और बहुत सोच के भी सिहरन सी होती है कि कैसे कोई इतना अमानवीय व्यवहार कर सकता है। मुझे लगता है कि इसके बारे में भी सदन में पूरी चर्चा होगी और उसके बाद सबकी सहमति से कोई ना कोई ऐसा बिल आएगा कि जिससे इस तरह के जो अपराधी हैं उनके मुंह पर तमाचा लगे और वो हिमाकत ना कर सकें, जो है इस तरह के बारे में कोई सोचने की भी कोई हिमाकत ना कर सके। मुझे लगता है कि इस तरह का कोई बिल जो है वो ज़रूर आना चाहिए। तो ये थे सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल, जिन्होंने जनता टीवी से खास बात की। कैमरामैन राजा के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।